सिंगरौली के मोरवा में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम भक्तों ने निधि समर्पण किया। इस समय इस इलाके में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु विश्व हिंदू परिषद द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। राममय यात्रा में युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाते नजर आई। यात्रा के साथ एक सुंदर राम लक्ष्मण की झांकी भी निकाली गई, जिसका लोगों ने जगह जगह पर हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के दधीलाल सिंह ने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। सभी राम भक्तों को इस मंदिर निर्माण कार्य में यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया जाना है, यह सौभाग्य का विषय है। हमें गर्व होना चाहिए कि 452 वर्ष बाद राम मंदिर निर्माण का सौभाग्य मिला है। इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। यात्रा मोरवा नगर के लिए एक चिर स्मरणीय दिवस रहेगा। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करना है, इस निमित्त यह कार्यक्रम सारे नगर के हिंदू वासियों को जागरण करने का निश्चय करके किया गया है। 500 वर्षों से लड़ते आए हैं और हमारे कितने पूर्वज उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दिए। आज वो मंदिर बनने के प्रथम चरण में प्रारंभ हो चुका है। उसके धन संग्रह के लिए इस शोभा यात्रा एक जन जागरण है और ऐसी ही शोभा यात्रा पूरे भारत में हर नगर में हर गांव में हो रही है। इसका उद्देश्य है हम हर एक हिंदू के घर से कि कोई घर छूटे न, चाहे वो 10 रुपए ही दे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।